झारखंड प्रदेश में आजकल एक डेढ़ महीने से एक तांत्रिक बाबा लगातार घूम रहे हैं। वो तांत्रिक बाबा कौन है पता लगे? हेमंत विश्वास को हम तांत्रिक बाबा बोल दे रहे हैं, धूर्त तांत्रिक बाबा, जो सांप्रदायिक भावना को भड़काकर घुसपैठ घुसपैठ बोलकर जहरीली बातों को बोलकर जो झारखंड का जो ताना बाना है उसमें एक तरफ से ताना बाना को पूरा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इतना अगर हेमंत बिस्वास जी को, असम के मुख्यमंत्री जी को अगर चिंता उसको आता है यहाँ के बारे में, HEC फैक्ट्री बंद हो गया है, केंद्र में उनकी सरकार है, HEC के बारे एक शब्द नहीं बोलना, और तो और HEC का अकाउंट फ्रीज हो गया है, फ्रीज कर दिया गया, उसके बारे नहीं बोल रहा है। आप झारखंड ऐसे प्रदेश में कि भाई झारखंड का लोग यहां से कितना कितना पलायन कर जाता है, इट्टा भट्टा चला जाता है पूरा, उसके बारे कम से कम बोलते, रोजगार के बारे बोलते, उसके बारे बोलता तो कुछ समझ में आता, लेकिन उनके बारे में उसके पास में कोई, चूंकि केंद्र में उनकी सरकार है, रोजगार वगैरह के बारे बात नहीं करना। और दूसरी बात है कि हाँ, आदिवासियों का जो जमीन लूटा हुआ है उस जमीन का वापस करने के बाद भी तो हेमंत बिस्वास को करना चाहिए, तो जमीन की बात सुन करके उसको कोर्ट के बारे में उनके मुंह से बात नहीं निकलना, आदिवासियों का नाम लेके दम भरना, 150 साल से चाय बगान में टी ट्राइब के रूप में रह रहे हैं जिसको MOBC के रूप में जाना जाता है, आज तक उसके बारे में किसी तरह की बात नहीं। आप अपने उसको असम में इन चीजों को असम में उसको करना चाहिए, उसको जनजाति का दर्जा देना चाहिए, नहीं देना, हमेशा घुसपटिया घुसपटिया बोल करके जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। माननीय असम के मुख्यमंत्री से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप असम से कितने घुसपैठिया को आज तक बाहर किए, उसका आंकड़ा पूरे देश के बीच में सार्वजनिक करना चाहिए, कितने आंकड़ा आपने किया, उसके बारे में तो उनके पास में आपको बताना चाहिए, यहां के बारे बात कर रहे हैं। और मैं इसीलिए उसको धूर्त तांत्रिक कह रहा हूं कि सरकार को 3 साल पहले अस्थिर करने के समय हमको भी फोन किया था, बता रहे आपको वही तांत्रिक बाबा, और गंगा में हाथ धोने की बात कह रहा था, मैंने उसको डांटा था, पूछिएगा कभी आएगा तो, बोले कि बंधु तिर्की को आप जानते नहीं, अभी बोल के मैं डांटा था उसको। तो वो तांत्रिक बाबा मैंने लोगों को, कुछ लोगों को झाड़ फूंक करने का उसको आदत लग गया है, और इसीलिए बड़े बड़े कमर लचका लचका के बात करता है, लेकिन झारखंड में उसको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। झारखंड के बारे में उसको अभी समझना होगा, झारखंड का लोग असम और दूसरे राज्य की तरह नहीं है। आपको हिम्मत है तो यहां जो आदिवासियों का जमीन को जो लूट लिया गया है उसको वापस करने की बात आप कहें, लेकिन इन तमाम कभी भी यहां के बारे में, यहां के लोगों के बारे में ऐसा बात नहीं कर, HEC के बारे में तो बात करता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
अभी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं क्या कि हम इससे भी हम बड़ा मैया योजना शुरू करेंगे। आपका मैया योजना शुरू करेंगे, इसका तो आपको साफ साफ लग रहा है कितना दोहरी किस तरह से खेलता है। ये 100% मैं दावे के साथ करता हूँ, जो PIL दर्ज किया है ये भारतीय जनता पार्टी दर्ज किया है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए ये मेरे ऊपर भी इसी तरह से आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी का राहुल शर्मा कार्यकर्ता ने केस किया था, आज भी उनका जवाब ये लोग नहीं दे पाया है। ये लोग जानता है इस तरह से करके मैया योजना को ये करा करके, इस लोग प्रभावित करा करके लोगों के बीच में गलत तरीके से मैसेज चला जा चुकी। मैया योजना से आम लोगों को विशेषकर गरीब गुरुआ को, जिसके पास 100 रुपया 50 रुपया खैनी चूना के लिए नहीं रहता है, उस व्यक्ति के उनके लोगों उन महिलाओं के पास में बाल बच्चा के लिए तेल साबुन के लिए नहीं रहता है, उन महिलाओं के खाते में 1000 जा रहा है। तो और वे लोग महिलाओं महिला लोग इसे सरकार पर भरोसा उसका बढ़ा है। और इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में 22 तारीख को पुराना विधानसभा के पास 15 विधानसभा के 10,000 महिलाओं को बुला रहे हैं वहां पर, और मैया सम्मेलन होगा वहां पर, और माननीय मुख्यमंत्री का गुणगान होगा वहां पर उनका उनके सम्मान में। 22 तारीख को पुराने विधानसभा में 15 विधानसभा के महिला लोग आएंगे, 10,000 से 12,000 महिला लोग आएंगे, उसका नाम रखे हैं मुख्यमंत्री के सम्मान में मैया का सम्मेलन। बाकी कुछ हो गया, चलिए दादा दो तीन बात आप बोले। आप बोले कि नौकरी देने की सरकार ने कहा कि अब अग्निवीर के शहीदों को हम यहाँ अनुकंपा पे नौकरी देंगे। दूसरी बात आप कह रहे हैं सरकार यहाँ आपका आप कह रहे हैं उनसे कि आदिवासी का जमीन लौटा। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ पांडे जी, आज देखिए लोग देश कहीं कहीं पर तुम्हारा मुसलमान मियां मिठू यही सब करते रहता है, लेकिन इस देश को इसके राज के प्रति इस राज यहाँ पर आ रहा है तो कोई नया अपना बताए ना भाई आपको क्या है। आप तो सिर्फ और सिर्फ बांट करके नफरत फैला करके आप अपना हम सरकार बनाएंगे। आपकी केंद्र में सरकार है, HEC को रिवाइवल करने के बारे में आप क्यों नहीं बात कर, ये बात बोलो ना, ये बात बोलिए। हम इसको पूछ रहे हैं इसको हेमंत सोरेन जी को कि आप बोलिए कि भाई HEC को हम रिवाइवल कराएंगे, आप तो करा नहीं रहे हो, ऊपर से उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया। दूसरी बात है आपकी सरना कोर्ट के बारे में बोलना चाहिए, चूंकि आप कितना बाजू में दम है, इतना लहकता मारते हो आप, पूरा कमर लचका के भाषण मारते हो, तो आपको बताना चाहिए आपकी दिल्ली में सरकार है, करो। तीसरी बात है कि जमीन आदिवासी का जो है लूटा जा रहा है, जिसके बारे लड़ाई चल रही है, जल जंगल जमीन की बात करती है, किसने जमीन लूटा, उस जमीन को वापस करने के लिए हेमंतो विश्वास में दम है तो जमीन के बारे बात करें। ठीक है दादा, आखिरी सवाल आप जो कह रहे कि उसको जितना डांटे थे पूछिएगा, आप इंटरव्यू लेते हैं, पूरा वीडियो कॉल बात हुआ था, अचार में इस लगातार यहाँ पर ये केवल इसी तरह का इसी का कारण था पूरा यहाँ पर सरकार को अस्थिर करने का, इसका ये सुपारी ले लिया है, बता रहा है कि हेमंत सोरेन को हम हटाएं बोल करके। चंपाई गया कि फलना गया ढकना गया उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्या बात करेंगे उसको, चले गए अब ठीक है, 2 महीना में पता चल जाएगा पूरा, दूध का दूध पानी का पानी, कौन शेर है कौन कौन बाघ है भालू है कौन सियार है वो पता चल जाएगा। चंपाई जी को अच्छा है चला गया, उसकी मर्जी तो चला गया, इसलिए बहुत चीज़ों को इधर उधर नहीं। आपको जिस तरह से यहाँ पर जो कर रहा है ये यहाँ के मुद्दों के बारे में क्यों नहीं बात करता आखिर लोग, यहाँ के मुद्दे के बारे में बात करना चाहिए, फॉरेस्ट एक्ट के बारे में सुमन एक क्यों नहीं बात करता है, भारत सरकार के द्वारा फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन किया गया उस पर तो इसको बात करना चाहिए ना। राकेश जी मैं एक चीज कहूंगा कि देखिए इस तरह का हुआ ये जांच का विषय जांच होना चाहिए, आखिर कैसे हुआ, महिलाएं भी दौड़ी हैं,
महिलाएं भी दौड़ी है, मैं देखता था तो पहले देख रहा था रोज महिला लोग कुछ दिन पहले शाम को 4 बजे प्रैक्टिस करता था, तो हम उन लोगों को पूछते थे देहात में, इधर महिला लोग भी दौड़ी, उनके साथ ये नहीं हुआ, लड़कों के साथ इस तरह से कैसे हुआ, ये बहुत सारी चीज़ों को जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक मेडिकल टीम विशेषज्ञ ही करा के जांच कैसे, और इसको राजनीतिक रंग देना करना नहीं चाहिए, इसको आखिर क्या हुआ वहाँ तह तक इसको जाना चाहिए। हेमंता जी कह रहे हैं कि हम बड़ा मैया योजना लाएंगे और फिर ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी को, बोल रहे हैं एफिडेविट दे देते हैं हम कोर्ट में कि हम समर्थन करते हैं मैया योजना का, उसका बोली और धूर्त आप भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, मैं उससे वीडियो कॉल में बात किया हूँ, और धूर्त इसलिए मैं तांत्रिक का नाम दिया हूँ उसको, हम तो चाहते हैं हमसे टकराव होना चाहिए इसे लोगों के साथ में, समझे ना, टकराव होना चाहिए इसे लोगों के साथ में।